हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आपका स्वागत है मीनेश देवी की रसोई में। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। तो मैंने पालक को साफ करके धुल लिया है और इसे हम चढ़ा देंगे गैस पर उबालने के लिए। और मैं 500 ग्राम पनीर के पीस बना लूँगी। तो चलिए, और हमें एक प्याज काटना है तो इसे मैं साफ करके धुल लिया है और इसको बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो देखिए, प्याज हमारा कट कर रेडी हो चुका है। और मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं, उनको भी काट लिया है। और अब थोड़ा सा काटना है मुझे लहसुन। तो लहसुन के 10 से 12 कलियाँ ली हैं, उनको भी मैं काट लूँगी बिल्कुल बारीक। और लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, इनको हम पीस लेंगे। और पालक मैंने उबाल लिया है तो इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इसका पीस कर पेस्ट बनाएंगे। तो इधर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हींग जीरा डाल दिया है और कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च में भून लेंगे। इनको थोड़ी देर भूनेंगे जब तक लाल नहीं हो जाते। तो देखिए, भून चुके हैं। तो हमें पिसा हुआ प्याज इसी में डाल देंगे, इसे भी भूनेंगे और भून करके इसे निकाल लेंगे। और एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे हींग जीरा। तो देखिए, और हमें डालने हैं इसमें खड़े मसाले। तो थोड़ी देर, करीब 10 सेकंड के लिए हम इनको चटकने देंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च पिसी हुई, इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। और डाल देंगे प्याज भूनकर निकाल लिया था उसको, और थोड़ी देर इसे हम पकाएंगे। तब तक हमारा प्याज पक रहा है, तब तक आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। और देखिए, इधर मैं आधा चम्मच डाल देंगी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला, और इसको हम मिक्स कर देंगे। और स्वाद के अनुसार डालना है नमक। और मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया, उसे भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो चलिए, मिक्स हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा पानी डालकर और थोड़ी देर पकने देना है। जब तेल ऊपर आ जाए इसमें, तब तक हमें पकाना है। तो देखिए, तेल आ चुका है। तो अब हम इसी में डाल देंगे पिसा हुआ पालक और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए, मिल गया है पालक। और अब मैं पानी डालेंगे इसको। आप ज़्यादा पतला अगर बनाएं तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, मैं तो 2 से 3 कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि ये पकेगा तो थोड़ा गाढ़ा ही हो जाता है, इसीलिए 2 से 3 कटोरी डाल देंगे। और थोड़ी देर हम ढककर रख देंगे, ये खोल जाए, इसके बाद देखते हैं। तो चलिए, खोल चुका है, मैं खोल कर देख रही हूँ। अब इसी में हमें डाल देना है पनीर। तो पनीर के बड़े बड़े पीस बनाने हैं, तभी अच्छे लगेंगे। तो देखिए, आपको थोड़ी हल्दी कम लग रही है क्योंकि मैंने थोड़ी कम ही डाली थी। अब डाल देंगे हम पनीर मसाला और इसे चलाएंगे और ढककर थोड़ी देर रख देंगे। तो चलिए, सब्जी हमारी पनीर की रेडी हो चुकी है। तो अब मैं हरा हरा धनिया डाल दूंगी और इसको अब एक कटोरी में परस कर दिखाते हैं। तो देखिए, पनीर की सब्जी खाने के लिए तैयार हो चुकी है। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें।